राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू। पीएम मोदी ने सबसे पहले किया मतदान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी दफ्तर में पेश हुई शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत। कर्नाटक सीएम बसवराज मुंबई हुए कोरोना पॉजिटिव, दिल्ली दौरा रद्द। देश में कम हुए कोरोना वायरस के केस, 24 घंटे में मिले 19,406 नए मामले। भारत के लिए खास है आज का दिन, रेसलिंग सहित बॉक्सिंग में कई मेडल लगे हैं दांव पर। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते इस वक्त की खास खबरों का। पीएम के आह्वान पर आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा से लेकर पेंटिंग, निबंध, जुलूस और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन कर इस मौके को ऐतिहासिक बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मदरसे की तस्वीर बदली जा रही है। अमृत महोत्सव कार्यक्रम में यूपी के मदरसे में राष्ट्रगान और देशभक्ति के गाने बजाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बता दें कि वाराणसी के बाजरडीहा स्थित हनफिया गौसिया मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे देशभक्ति के गाने गाकर तैयारियां करते दिखाई दिए। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने बताया कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर प्रदेश के अंदर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसमें बहुत सारे कार्यक्रम हैं, हर घर तिरंगा कार्यक्रम से लेकर के स्कूलों, मदरसों के लिए, तमाम जगहों के लिए तमाम योजनाएँ तमाम तरीके से भेजी गई हैं। हम लोगों ने भी मदरसों के लिए गाइडलाइन जारी की है और सारे मदरसे उस पर अमल कर रहे हैं। जिला सड़क कल्याण अधिकारी लगातार उसकी निगरानी कर रहे हैं और पूरे प्रदेश के मदरसों के अंदर बड़े हर्ष और उल्लास के वातावरण में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। तो तैयारियाँ लगातार चल रही हैं। बच्चों को हर तरीके से तैयार किया जा रहा है। जो गाइडलाइन जारी हुई है शासन व प्रशासन की तरफ से, उसी के मुताबिक जो है हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं। हमने असाज़ा और टीचर्स की जो है मीटिंग ली है और मीटिंग लेकर के हमने उनसे अर्ज किया है कि आप सारे बच्चों को जो मुकाबलियाती इनामात जो भी हैं मुकाबलियाती इनामात उसको कराएं और जो तारीख है उस तारीख के अतबार से हर एक प्रोग्राम को अंजाम दें ताकि बच्चों के अंदर देशभक्ति जो पहले से थी उसमें और मज़ीद इजाफा हो। प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज़ादी का 75वां वर्ष में देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा से लेकर पेंटिंग, निबंध, जुलूस और अन्य प्रतियोगिता आयोजित कर सरकार इस मौके को ऐतिहासिक बनाने में जुटी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के मदरसे की तस्वीर और तकदीर बदलने की ठान ली है। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान और देशभक्ति के तरन्नुम बजाने की तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। मदरसों में तिरंगा फहराया जाएगा, राष्ट्रगान भी होगा, देशभक्ति के गीत भी होंगे। आज़ादी से जुड़ी थीम पर पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। इस बड़े आयोजन के लिए अभी से मदरसों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे ही एक मदरसे में प्राइम टीवी की पड़ताल की तो एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है जिसे हम आपको दिखाएंगे। वाराणसी से प्राइम टीवी के लिए आफताब आलम। मथुरा में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है जिसमें यहाँ के साड़ी कारीगर भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ की 40 फैक्ट्रियों में इन दिनों तिरंगा झंडा बनाने का काम चल रहा है। वहीं इस काम में करीब 4,000 कारीगर लगे हैं। तेरहवीं सालगिरह के हिसाब से गवर्नमेंट ने अमृत महोत्सव का गठन किया है तो इसमें मथुरा में करीब 40 इकाइयां हैं जो हर घर झंडा अभियान को सफल बनाने में सहयोग कर रही हैं। हमारी जो इंडस्ट्री है इसका नाम ओम टेक्सटाइल मिल्स है। प्रतिदिन हम लोग करीब 1,00,000 झंडा सप्लाई कर रहे हैं। विभिन्न प्रांतों में हमारे यहाँ से झंडा सप्लाई हो रहा है और अपेक्षा करता हूँ कि ये पूरा उत्सव जो है बहुत अच्छे से जाएगा और बहुत मज़ा आएगा इसमें।
फरीदाबाद के कुंदरकी विकास खंड क्षेत्र के गांव पीतपुर नयाखेड़ा में अध्यापक ने प्राथमिक स्कूल में बने एक कक्ष को 30,000 रुपए में बेच दिया, जिसके बाद में शिकायत होने पर खंड शिक्षा अधिकारी जांच करने पहुंचे, साथ ही इसकी रिपोर्ट बीएसए को भी भेज दी है। ये तकरीबन 2-3 दिन पहले प्रधान अध्यापक ने, प्रधानाचार्य जो हेडमास्टर है स्कूल के, सरकारी स्कूल के, उन लोगों ने मिलकर ये किसी को विक्रम नाम का बोलते उसे बेच दिया 15,000 रुपये में, मत तोड़ाई के। पूरा एक कमरा बना हुआ था, हो सकता है जर्जर हालत में हो, मैं तो देखा नहीं था इतना करीब से, लेकिन 2-3 दिन बाद जब मैं गया तो वहाँ पर मलबा पड़ा हुआ था, ईंटें पड़ी हुई थी। मैंने प्रधान अध्यापक से पूछा, मैंने कि ये क्या हुआ, बोले मैंने ये सफ़ा करा दिया। ये सन 2000 में बना था, ये अतिरिक्त कक्ष था ये, और जो जर्जर अवस्था में था, हमारे प्रधान अध्यापक श्री मजाही हुसैन साहब ने गांव के ही इसी गांव के निवासी विक्रम सिंह को बेच दिया 15,000 रुपये। काजीपुर सपा विधायक जयकिशन साहू ने जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाने के बजाय उनकी पुण्य तिथि मनाई, जिसमें सपा विधायक ने पहले जनेश्वर मिश्र के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो समाजवादी चिंतक और सपा के आधार स्तंभ रहे, जनेश्वर की पुण्य तिथि मना रहे हैं, जिसके बाद लोग हैरत में पड़ गए। गाजीपुर के नेशनल हाईवे पर हो रही सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिए की जा रही कोशिशों पर अब रोक लग गई है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे पर खुलने वाले ट्रॉमा सेंटर को संचालित करने के लिए मेन पावर नहीं मिली है, जिसकी वजह से ट्रॉमा सेंटर को वेयरहाउस के गोदाम के रूप में बदलकर उसमें दवाइयां रखी जा रही हैं। ये जो एक ट्रॉमा सेंटर है गोरा बाजार, वो मेडिकल कॉलेज के अंडर में रहेगा, और जो ट्रामा सेंटर मोहम्मदाबाद में है वो अंडर सीएमओ कार करेगा। उनका जैसा अभी देखा भी जा रहा है, सब जो गुरा में जो ट्रामा सेंटर है, हाँ, वो एक तरह से औषधि का जो है भंडारण बन गया है, तो आखिर इसको कब तक क्या किया जाएगा? औषधि का, ये जो औषधि का भंडारण किया जा रहा है वेयर हाउस के अंतर्गत किया जा रहा है। वेयर हाउस दवा मेडिकल कॉलेज को भी सप्लाई करता है और हमको भी सप्लाई करता है। वेयर हाउस के लिए जगह चिन्हित की जा रही है फिर डीएम साहब के द्वारा, अभी हमको प्राप्त नहीं हुई है, जैसे ही प्राप्त होगी, केंद्र की एक कार्यदायी संस्था है उसका निर्माण करेगी, तभी हम उसको खाली कर पाएंगे। हरदोई के कोतवाली शहर में महज 500 रुपए के लेन देन के विवाद को लेकर रिटायर्ड फौजी ने फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। रिटायर्ड फौजी ने एक के बाद एक लगातार फायरिंग की, वही ये पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने रिटायर्ड फौजी और उसके पड़ोसी राघवेंद्र मिश्रा को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक मामले की जाँच, दोनों पक्षों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अखिल मिश्रा सनाब गया प्रसाद मिश्रा, आरओ विभूति नगर नारायण धाम के पास पीएस कोतवाली शहर के रहने वाले हैं। इनका विवाद राघवेंद्र वाजपेयी सनाब मोहित वाजपेयी से था। 500 रुपए के लेन देन के विषय में आपसी झगड़ा हुआ और इनका आरोप ये है कि मोहित वाजपेयी मेरे ऊपर पत्थर मार रहे थे, अपने बचाव में मैं छत पर जा कर के फायरिंग, हवाई फायरिंग किए हैं, 3 राउंड फायरिंग किए हैं। अभी तहरीर नहीं मिली है, तहरीर ली जा रही है, तहरीर लेकर के आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जहां एक तरफ योगी सरकार गौवंशों के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन अधिकारियों द्वारा उस पर पलीता लगाया जा रहा है। ताजा मामला लखनऊ के काकोरी के जमालपुर से सामने आ रहा है, जहां गौशालाओं की स्थिति इस हद तक बेहाल है कि वह भूख से तड़प कर 6 गौवंशों की मौत हो गई, जबकि पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने सरकार को गौवंशों के खाने की धनराशि बढ़ाने की मांग की है। इसलिए लगा रहे हैं सरकार 30 रुपए दे रही प्रतिदिन का जी, एक गाय पे जी। कितनी गाय आपके पास हैं? गाय हमारी 270 है इस समय। 270 जी। और अब तक कितनी मर चुकी हैं? अब जो मरी हो तो रजिस्टर बताएगा, डॉक्टर साहब के पास है रजिस्टर। मतलब आपके संज्ञान में नहीं कितनी गाय मरी हमारी? जो कम होती है डेली वो कम की जाती है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब रोज आते हैं? नहीं, जब मर्जी आए तब आए, चले गए, बोले गौशाला में ताला क्यों लगा है। अच्छा, अब ताला अगर नहीं लगेगा गाय भाग नहीं जाएंगी,
तो यही गौपालक चारा लाएंगे, यही काट के डालेंगे। और गौपालक का ये भी कहना है कि हम चार महीने हो गए हमको तनख्वाह नहीं मिली है। बिल्कुल सही है, चौथा महीना चल रहा है, बस सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब पैसा हमारे पास नहीं तो इनको कहाँ दिया जाए खाता? तो इसका इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए इनको पैसा नहीं मिला, इसका जिम्मेदार सचिव साहब, एक महीना हो गया। अच्छा, जो मरे उसके जिम्मेदार। जब महिलाएं अपने घर में ही सुरक्षित ना हो तो ऐसी स्थिति में वह कहां जाएं? एक ऐसा ही मामला सामने आया है बुलंदशहर के अनिवास गांव से, जहां जेठ ने अपनी ही बहू के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। वहीं पीड़ित ने आरोप लगाया कि पुलिस उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। साथ ही पीड़ित ने मीडिया को बताया कि पहले भी उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया था। मेरे जेठ ने मुझे पकड़ लिया वहाँ पे। मैं अपने घर से कट्टा नहीं लेके आई, रहती मैं लुकसर में हूँ। अच्छा। इन लोगों की डर की वजह से मुझे 13-14 साल हो गए किराए पे रहते रहते। इन लोगों की वजह से ही? क्या पहले भी कोई हादसा हुआ? हाँ, एक साल पहले इन्होंने मुझसे बदतमीजी बहुत ज्यादा करी थी। तो अभी आप यहाँ आई हो तो क्या आश्वासन? पुलिस में कम्प्लेंट करी थी आपने? हाँ जी। फिर कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई थी कोई कार्रवाई, कैसे भी कोई कार्रवाई नहीं करी गई। अभी आप साहब के यहाँ आई हो, क्या आश्वासन दिया है? साहब ने कह दिया था आपके लिए कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी? होगी। बिजनौर के शेरकोट थाना क्षेत्र में एक मंदिर में रह रहे परिवार को अज्ञात लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। साथ ही परिवार के मुखिया पुजारी की पीट पीट कर हत्या कर दी। वही घटना की सूचना पर डीएम और एसपी ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया, जिसके बाद एसपी दिनेश सिंह ने 3 टीम गठित कर अज्ञात लोगों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। मंदिर के जो पुजारी हैं श्री बेग बेग्राम का, जो यहाँ से पत्नी निवास करते थे, उनकी पत्नी अलग थोड़ी थी, वो मंदिर की तरफ छोड़ रहे थे, उनके सर पर किसी ने डंडे से मार दिया। तत्काल पुलिस ने उनको उपचार के लिए भिजवाया, जहाँ की वो मृत घोषित कर दिए। हमारी टीमें सक्रिय हो चुकी हैं, फॉरेंसिक की टीम, हमारी सर्विलांस की टीम और विवेचना करने की टीम लगा दी गई। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया के और ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं।